Learn Computer with Artis Academy. With Artis Academy. प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने पैकेज के बारे में देखा और समझा कि पैकेज कैसे काम करता है, इसके वर्किंग मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे हम लोग क्रिएट करने का काम कैसे करते हैं, इसके बारे में हम लोग ने देखा। आज हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर हम लोग अनवांटेड एरर को, या एक्सेप्शन हैंडलिंग ने जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन। मतलब बच्चों, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग एक हम लोग पावरफुल एक मैकेनिज्म है जो हमारे रन टाइम्स में अगर कोई एरर होता है उसको हम लोग हैंडल करने का काम करते हैं, ताकि हम लोग आसानी से अनवांटेड एरर्स को हैंडल करने का काम कर सके, इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग में बच्चों हम लोग जनरली ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज और फाइनली, ये पांच कीवर्ड का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग में होता क्या है कि अगर हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग को लगाते हैं तो जैसे कि हमने बताया कि अनवांटेड एरर होने की प्रोबेबिलिटी में प्रोग्राम हमारा क्रैश नहीं करता है, वो रन करता है, उसके एरर को सॉर्ट आउट करने का काम करता है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। यानी हमको एरर बताने का काम करता है कि किस जगह पर क्या एरर है, और उस एरर को हम आसानी से सॉर्ट आउट करने के लिए एक मार्गदर्शन देता है कि यहाँ पर ये एरर है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको फाइंड करने का काम कर लेते हैं। जैसे बच्चों मान लो हम लोग कोई इन्फेक्टेड फूड ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो हमारे बॉडी में भी एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि वो सीधे उसको बाहर निकाल फेंकता है, हो सकता है वो डाइजेस्ट कर जाए तो कोई ऐसा टॉक्सिन या जहरीला पदार्थ जो हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाए तो हो सकता है बड़ा नुकसान पहुंचाए। तो उस चीज से बचने के लिए हमारी बॉडी क्या करता है, उसको सीधे बाहर निकाल के फेंकने का काम करता है। उसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करके सेम काम को करते हैं। अगर कोई रन टाइम, अगर कोई एरर है तो उसको फाइंड आउट, मतलब हम लोग उसको रिएक्टिफाई करने का काम करते हैं, क्या एरर है, ताकि प्रोग्राम एक नॉर्मल फ्लो को रन कर सके। अगर एरर है तो कहां पर है, किस टाइप का एरर है, ये बताने का काम करता है। तो बच्चों जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एरर हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग चलो देखते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन, मतलब जब हम लोग कोई नंबर को डिवाइड करने का काम करेंगे, ऐड करने का काम करेंगे, सबस्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो अगर मान लो कोई नंबर को हम लोग जीरो से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है तो ये एक्सेप्शन जनरेट होगा। तो इसी जगह पर हम लोग अर्थमेटिक एक्सेप्शन का यूज करते हैं। अगर ये पूछो कि सर हमको नहीं मालूम है अर्थमेटिक एक्सेप्शन है या किस तरह का, तो इसी जगह पर हम लोग नॉर्मली एक्सेप्शन क्लास का यूज करेंगे और वो हम लोग को बताएगा किस टाइप का ये एरर है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं इस प्रोग्राम को कैसे वर्क करता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो हम लोग नोटपैड पर चलते हैं, प्रोग्राम को हम लोग लिखने का काम करते हैं। क्लास ए कुछ भी ले लो, 25 हम लोग ने int a इक्वल टू 20 लिया, b इक्वल टू 0 लिया, c इक्वल टू 0 डिक्लेयर कर लिया। void this फंक्शन हम लोग ने ले लिया, हम लोग मेन क्लास में भी बना सकते थे। अब बच्चों जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर करेंगे और कैच ब्लॉक पर उसको कैच करने का काम करेंगे। तो चलो हम लोग यहां पर चाहो तो system.out.println हम लोग चाहो तो वैल्यू को भी प्रिंट करा लेते हैं, वैल्यू ऑफ a इक्वल टू प्लस a, अब इसको सेव कर लेते हैं, ए बी सी 67 68 69 डॉट जावा, ये system.out.println value of b equal to plus b,
एंड c इक्वल टू a डिवाइडेड बाय p हमने लिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, अब यहां पर रिजल्ट प्लस c। हो गया, अब ये हम लोग यहां पर ले ली। अब हम लोग यहां पर कैच, तो ये किस तरह का एरर है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन ई है। ई क्या है? अर्थमेटिक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिए हम लोग ई। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डिवीजन बाय बाय जेड जीरो हम लोग मैसेज लिखे, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई, और हम लोग लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज। ई डॉट गेट मैसेज, मैसेज के हम लोग डिस्प्ले करने का काम करेंगे। तो ये हम लोग ने ले लिया। अब चलो हम लोग यहां पर लेते हैं क्लास ए बी सी 69। हम लोग एक ही क्लास के अंदर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस। तो चलो हम लोग ए 25 ओ बी इक्वल टू न्यू ए 25 ओ बी डॉट हम लोग ने लिखा डिश, ठीक है। तो ये ले लिया। अब चलो हम लोग रन करते हैं। अब हम लोग जावा सी ए बी सी 69.java जावा ए बी सी 69। तो देखो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू जीरो, डिविजन बाय एरर दे दिया, और हम लोग केवल ई को प्रिंट करा रहे हैं। वहां पर लिख रहा है जावा लैंग अर्थमेटिकल एक्सेप्शन डिवाइड बाय जीरो, और ई डॉट गेट मैसेज जहां पर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो लिख रहा है डिवाइड बाय जीरो। तो ये हम लोग ने देखा। अगर बच्चों अब अगर हम यहां पर बी इक्वल टू मान लो हमने टू ले लिया, तो एक्सेप्शन पार्ट में ये जाएगा ही नहीं, ये प्रोग्राम सिंपली यहीं से प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 20 एंड वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू 10 एंड रिजल्ट इक्वल टू हम लोग ने देखा 10। तो इस तरह हम लोग देखे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि रन टाइम जो अनवांटेड एरर होता है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। अगर हम लोग यहां पर नहीं लेते एक्सेप्शन, अगर मान लो हम इसको हटा दे रहे हैं और अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं तो क्या होता है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। कंपाइल कर लिया, अब ये प्रोग्राम को रन करें। देखो प्रोग्राम अबनॉर्मल, मतलब प्रोग्राम क्या हो गया, एक कंप्लीट प्रोग्राम लास्ट में रन नहीं किया, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। ये सिस्टम का जो ऑलरेडी डिफाइंड एक्सेप्शन है उसको यहां पर ये डिस्प्ले करने का काम किया। तो इस तरह हम लोग ने देखा कि रन टाइम में एरर में हम लोग कैसे उसको बच सके, कंप्लीट प्रोग्राम कैसे रन करे बीच में वो टर्मिनेट नहीं हो जाए, तो इसके लिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज कर लेते हैं। तो ये हम लोग ने देखा कि काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग ने समझा। और अधिक जानकारी के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो। Learn computer with Artis Academy.